बलात्कारी राम रहीम के सिरसा डेरे में आज हरियाणा पुलिस चलाएगी तलाशी अभियान, रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा सर्च ऑपरेशन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने विदेशी पर्यटकों को सलाह दी है कि वो अपने देश में बीफ खाकर भारत आएं। बिहार में लालू यादव के साथ जाने के मुद्दे पर कांग्रेस में फूट के आसार, लालू का साथ नहीं देना चाहते कई विधायक, नीतीश से हाथ मिलाने की हैं अटकलें। बिहार के अरवल में दिनदहाड़े पत्रकार पंकज मिश्रा को मारी गोली, हमले के आरोपी दो युवकों में से एक कुंदन नाम का युवक गिरफ्तार, आरोपी कुंदन जेडीयू विधायक सत्यदेव के पीए का बेटा है। लखनऊ में ब्लू व्हेल गेम ने ली एक और बच्चे की जान, पूरे देश में अब तक 10 बच्चे खुदकुशी के इस खतरनाक खेल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में बनी एसआईटी ने जांच तेज की, राज्य सरकार ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी जाकिया जाफरी की याचिका पर हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला, याचिका में की गई है नरेंद्र मोदी समेत 60 लोगों को आरोपी बनाने की मांग। दिल्ली के जेएनयू में छात्र संघ चुनाव आज, एबीवीपी और लेफ्ट फ्रंट आमने सामने, थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान, 2-3 दिन में आएंगे नतीजे। मुंबई के खंडाला इलाके में मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतरे, यातायात पर बुरा असर, मुंबई से बाहर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई के रूट्स बदले गए, दादर और सीएसटी स्टेशन पर यात्रियों का बुरा हाल। और बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज होंगी 3 फिल्में, पोस्टर बॉयज, डैडी और मिस्टर कबाड़ी। मिस्टर कबाड़ी अभिनेता ओमपुरी की आखिरी फिल्म है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।